नाउ अ सिंपल एक्सप्लेनेशन. सिंपल एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया बेटा, फॉर अ पेयर ऑफ सरफेस स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. वंस द बॉडी गेट स्टार्टेड इन मीन्स व्हेन इट कम्स इन मोशन द फ्रिक्शन बिकम्स स्लाइटली लेस देन द मैक्सिमम और द लिमिटिंग वैल्यू. मीन्स जब कोई बॉडी मूव करने लगती है उस टाइम पर वही बताया गया है कि एक बार मूव करने के लिए फोर्स ज़्यादा चाहिए, लेकिन जब वो मूव करने लगती है तब फोर्स कम चाहिए. वंस द मोशन स्टार्ट्स द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन वन सरफेस डू नॉट गेट एनफ टाइम टू लॉक इन टू कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑफ द अदर सरफेस. मीन्स एज सुन एज द बॉडी स्टार्ट्स द इट इज नॉट गेटिंग इनफ टाइम टू गेट इंटरलॉक अगेन. मीन्स एक बार लॉक इनके इंटरलॉक जो कर रखा था आपस में दो ऑब्जेक्ट्स को वो ओपन हो जाते हैं. मीन्स बॉडी स्टार्ट हो जाती है, जब अनलॉक हो गए इट विल कंटिन्यू टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. मीन्स इट इज़ नॉट गेटिंग इनफ टाइम टू लॉक अगेन. फिर से लॉक होने का उसको टाइम नहीं मिलता अगर स्लाइड हो रही है तो. नाउ नेक्स्ट इज द रोलिंग फ्रिक्शन. आप लोगों ने आमतौर पर रेलवे पर, रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर, बस स्टैंड्स पर या एयरपोर्ट्स पर लगेज को ऐसा देखा होगा कि बच्चा भी खींच के ले जा रहा है. मीन्स बच्चा इतनी आसानी से कैसे खींच रहा है, क्योंकि उस लगेज के नीचे व्हील्स होते हैं. बेटा ये व्हील ऑब्जेक्ट को आसानी से मूव करने में हेल्प करते हैं. मीन्स इधर एक समझाने के लिए एक्टिविटी लिखी है कि पहले ब्लॉक को हमने वैसे ही मूव किया था, मीन्स स्लाइड कर रहे थे, अब ऐसा करो ब्लॉक के नीचे बहुत सारी पेंसिल्स रख दो ऐसे रोल करने के लिए. आप देखोगे अब फोर्स इसको कम लग रहा है, मीन्स कम मार्बल में ये ऑब्जेक्ट जो है ना मूव करेगा. आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी बेटा. तो ऐसे ही सूट केस के अंदर जो व्हील्स वगैरह होते हैं दे रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस. व्हाइल लेबर्स प्रेफर प्लेसिंग लॉग्स अंडर द हैवी मशीन. कई बार आप लोगों ने मजदूरों को देखा होगा जब भारी मशीन होती है तो उसके नीचे बड़े बड़े डंडे रखते हैं जो गोल शेप में होते हैं, जिससे कि वो ऑब्जेक्ट, वो मशीन, हैवी मशीन एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर जाए. सो व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इन टू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर विच इज मच लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. सो फ्रॉम हेयर वी come to know that we have three types of friction: static, sliding and rolling. Static friction when the object is stationary and it is maximum. Sliding friction when one body slides over the surface of other. And rolling friction when one body rolls over the surface of other, means dusre surface pe body roll kar rahi hai. So wheel ek revolutionary invention thi history mein. रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. बेटा इस व्हील्स के कारण ही आज हमारे मैनकाइंड के अंदर ट्रांसपोर्टेशन बिकम वेरी ईजियर. दे सेव अवर लेबर एंड एनर्जी. मीन्स रोल जो हो रहा है आपका टायर जो रोल करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इससे लेबर भी सेव हो रही है और हमारी एनर्जी भी काफ़ी हद तक सेव हो रही है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड फ्रिक्शन एसोसिएटेड विद रोलिंग. मीन्स रोलिंग से फ्रिक्शन कम हो जाता है. तो इसीलिए कहते हैं कि प्रॉपर इनफ्लेटेड टायर जिसमें पूरी हवा भरी हो वो बेस्ट है, उससे एनर्जी लॉस नहीं होता. Without sliding, since rolling friction is less than the, there is a less dissipation of energy. Means inflated tire best hai, usse energy loss kam hota hai. They save fuel also. Look here beta, I am having a book and I am pulling it with the help of spring balance beta. This book slides over the surface of other. Look here. Approximately 3.5 Newton force is required to move it. Okay, now I am showing you that if I increase the weight on it, how much force is required to pull it now? Now more than 4.5
इट इज गोइंग मोर देन 4.5, सो विद इंक्रीज इन वेट फ्रिक्शन आल्सो मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आल्सो इंक्रीजेस. नाउ बेटा आई एम गोइंग टू पुट सम चॉक्स हियर टू मेक रोलिंग फ्रिक्शन हियर बेटा. नाउ लुक हियर इज द रोलिंग फ्रिक्शन लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. लुक हाउ क्विकली द बुक इज मूविंग नाउ. वेरी मच लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड.